सबका फोटो वही ले लीजिए। भारत हो गए ना, आज हम जानते हैं देश की आजादी के 75 वर्ष, और 75 वर्ष मतलब अमृत महोत्सव के रूप में पूरे भारत वर्ष में देश के 141 करोड़ जनता इसको एक पर्व के रूप में मना रही है। और आज के दिन हम अपने देश की आजादी के पहले जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था, आंदोलन किया था, और जिन लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी थी, और जिसके कारण आज देश आजाद हुआ, जिन महापुरुषों के कारण देश आजाद हुआ, ऐसे कई महापुरुषों के नाम हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे कई गुमनाम महापुरुषों के प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लेने का संकल्प लिया है। और साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आने वाला 25 वर्ष जब 2047 होगा, एक वर्ष देश जब आजादी का पर्व मनाएगा तो भारत विश्व गुरु बने। आर्थिक, सामाजिक और के दृष्टिकोण से अंत्योदय के सपनों को साकार करने वाला भारत, भारत सोने की जो चिड़िया थी वो फिर से स्थापित होगा, और भारत पूरे दुनिया का नेतृत्व करता होगा, ऐसा भी हम सब लोगों को संकल्प लेने वाले हैं। और आने वाली जो हम कह सकते हैं भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के से भी हमको संघर्ष करना है, और भारत की जनता हर चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम करती है, चाहे वो कोविड का कार्यकाल हो, चाहे दुश्मनों के घुसपैठ का सवाल हो, आतंकवादियों का सवाल हो, चाहे उग्रवादियों का सवाल हो। इसलिए पूरा भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है, एकमुश्त है, और हर चुनौतियों को सामना करने के लिए तत्पर है। मैं आज के दिन में आप सब लोगों को अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सब लोगों को शुभकामना देता हूं कि आपका जीवन सुखी हो और देश को गौरवशाली बनाने में आपकी भूमिका हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय झारखंड, भारत माता की। पीछे हो जाए, अरे झंडा के नृत्य तुम लोग आगे बढ़ेंगे। बस आगे आ जाइए, अब आगे आ जाइए सर, हम लोग निकल जाइए, निकल जाइए। जय हिंद सर। अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश के आजादी के 75 वर्ष, और उन शहीदों के त्याग और तपस्या के बलिदानी के कारण मना रहे हैं, उन वीरों के त्याग और तपस्या के कारण मना रहे हैं, और उन महापुरुषों ने जिन्होंने संघर्ष किया था उसको हम स्मरण करते हैं, और साथ साथ हम उनको स्मरण करते हैं ऐसे गुमनाम लोगों का जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए त्याग दिया, तपस्या किया, बलिदान किया। चाहे झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, तिलका मांझी हो, और साथ में पांडे गणपत राय हो, चाहे हमारे सहदेव जी हो, सब लोगों को हमारी ओर से, पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आने वाला झारखंड और देश बेहतर हो, इसकी भी संकल्पना हम लोगों ने किया है। और अमृत महोत्सव मतलब आने वाला जब 2047 का जब भारत होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत दुनिया का नेतृत्वकर्ता बनेगा, और दुनिया भारत के पीछे होगी, और साथ साथ देश पूरी तरह से एकजुट और एकमुश्त होकर के देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने का भी संकल्प आज के दिन हम लोग लेते हैं। धन्यवाद। आप लोग कहाँ पे, नहीं तो भारत माता की जय हो जाएगा।